इतनी बात तो 100% पक्की है। यदि किसी को 1-2%, 1-2% भी यदि किसी को स्पर्म काउंट है तो उनको 40-50-60-70 तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, हजारों व्यक्ति हमने ठीक किए, और वही उपाय आपको हम बता रहे हैं। आज मर्दानगी पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने दुकानें खोली हुई, नील शुक्राणों के रोगी मिले, शुक्राणों की अल्पता का इलाज कराएं, यौन शक्ति पाएं, और इस तरह के ऐड से दीवारें देश की पुती हुई हैं। और कोई पत्र पत्रिका देख ली, खास करके सस्ती पत्र पत्रिकाओं में तो यौन रोगों का समाधान, इसके नाम पर बहुत बड़ा धंधा व्यापार इसलिए चल जाता है क्योंकि बोले नामर्द आदमी यहां मिले, अब वहां जो जाके आया वो वापस आके ये तो किसी को बताता नहीं है कि मैं वहां गया था, क्योंकि वहां जाने का अर्थ है उसके पुरुषत्व को चुनौती मिलती है। इसलिए कोई भी आकर के इन लोगों के चक्कर में फंस के वापस आके ये नहीं बताता कि मैं उसके पास गया था और मुझे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय शायद उसको दूसरे लोग नपुंसक कहना प्रारंभ कर। इसलिए जितने भी ये यौन रोगों के नाम पर इलाज करने वालों की दुकानें खूब फलती फूलती है। आज हम आपको बता देते हैं कि यौन रोगों का समाधान क्या है। कोई आपकी यौन या वासना शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक उपचार हम बता रहे हैं कि आप एक गृहस्थी हैं और गृहस्थी बनने के बाद यदि घर में संतान सुख नहीं होता है तो घर में क्लेश होते हैं, रोज अशांति पैदा हो जाती है, पूरा घर का वातावरण ही बिगड़ जाता है, दुखमय हो जाता है, अशांत हो जाता है, नर्क जैसा हो जाता है, तो क्या करें आप? पहली बात, पुरुषों के लिए यदि पुरुषों के स्पर्म काउंट कम है तो कपालभाति प्राणायाम करना। हमने कुछ लोगों को कोई दवाई नहीं दी आयुर्वेद की, न कोई जड़ी बूटियां दी, खाली उनको प्राणायाम करवाया और पाया, उन लोगों ने खुद हमें रिपोर्ट दी है अपनी, उनकी रिपोर्टें हैं हमारे पास कि प्राणायाम के करने से 5% स्पर्म काउंट थे, 3 महीना प्राणायाम किया 25% हो गए, 15% स्पर्म काउंट थे, 3-4 महीने प्राणायाम किया 45-50% स्पर्म काउंट हो गए। ये तो रिपोर्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। शिविरों में लोग आते हैं, आश्रम में लोग जाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट से लेकर के कि हमें ये फायदा हुआ। यद्यपि हमें भी कम लोग बताते हैं, थोड़ा संकोचवश जब हम पूछ लेते हैं कई बार कि इससे करोड़ों लाखों लोग जो पीड़ित हैं यौन रोगों से उनको प्रेरणा मिलेगी, तब उनको प्रोत्साहित करने के बाद हमें रिपोर्ट लोग सौंपते हैं, अन्यथा हमसे भी छिपा के रखते हैं। ये यौन रोग ये कोई छिपाने की चीज नहीं है, एक स्वाभाविक शरीर की प्रक्रिया में कहीं बाधा आ गई है उसको ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगी। तो कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम तो करना ही है आपको। कपालभाति प्राणायाम के करने से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, पुरुष शक्ति बढ़ती है, यौन शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन उसका वासनात्मक प्रयोग नहीं करना, उसका मात्र एक सृजन के लिए प्रयोग करना। सुख तो पति पत्नी में एक दूसरे के व्यवहार से है, एक दूसरे की वाणी से है, एक दूसरे के कार्यों से है, एक दूसरे के समर्पण से है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा सद्भाव से पैदा होता है। प्रेम का संबंध वासना से नहीं है। लेकिन एक बीमारी यदि हो गई आपको, स्पर्म काउंट कम हो गया, तो उसके लिए इलाज है कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना, 5-5 मिनट सर्वांगासन और हलासन कर लेना, माताएं बहने उष्ट्रासन और कंधरासन भी कर लें। आज हम आपको पहले आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं, बाद में योगिक प्रक्रियाओं को समझाएंगे। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट कम हो वे प्राणायाम योगाभ्यास तो करें ही, सर्वांगासन हलासन भी करें, मंडूकासन भी करें, शुष्कासन भी करें। माताएं बहने उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और कंधरासन, ये 3 आसन भी और विशेष करें। प्राणायाम मूल बंद करके ही करें, जब भी प्राणायाम करें भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम मूल बंद के साथ करें। मूल बंद से यौन शक्ति का गहरा संबंध है। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार पहले हम बता देते हैं आपको। पुरुषों के यदि स्पर्म काउंट कम है तो उनको घरेलू उपचार में सफेद मुसली, शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण, सफेद मुसली, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, ये 100-100 ग्राम ले लें। जिन माताओं बहनों को अंडा पूरा नहीं बन पाता है वे भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। माताएं बहन सफेद मुसली, शतावर, अश्वगंधा चूर्ण,